आज मैं आपके लिए बहुत ही तगड़ा मॉनिटर लेके आया हूँ। इस मॉनिटर में RGB है, वीडियो खत्म। क्या मतलब, आपको और भी जानना है? मतलब RGB बता तो दिया है इस मॉनिटर में, और जानना चाहते हो? ठीक है, और बताते हैं। BenQ की तरफ से आने वाला ये मॉनिटर है EX270QM। ये वो गेमिंग मॉनिटर जो एक्सीलेंट गेमिंग एक्सपीरियंस आपको दे सकता है अपने 1 मिली सेकेंड ग्रे टू ग्रे 240Hz रिफ्रेश रेट और FreeSync प्रीमियम प्रो टेक्नोलॉजी के साथ। इसमें आपको BenQ का HDRI और ट्रिवोलो के बिल्ट इन स्पीकर्स भी मिलते हैं, जिससे आपको गेम में बेहतरीन इमर्सिव एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और इसमें एक रिमोट भी मिलता है मॉनिटर के लिए। 27 इंच की QHD स्क्रीन आपको यहाँ देखने को मिलती है। P3 98.5% IPS पैनल विद HDRI, विद FreeSync प्रीमियम प्रो, विद 1 मिली सेकेंड ग्रे टू ग्रे, विद 240Hz और जो इसका बिल्ट इन 2.1 चैनल स्पीकर है, वो वन ऑफ द बेस्ट मैंने देखा है कई मॉनिटर्स में। कई में आपको स्पीकर तो मिल जाते हैं, 2 चैनल स्पीकर्स होते हैं, इसमें 2.1 चैनल आपको स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। उनकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। इसमें आपको क्विक OSD सिनारियो मैपिंग भी मिलते हैं, जिससे कि आप सीधे गेम में घुस जाओ। और ये तगड़ा मॉनिटर है तो इसमें आपको मल्टीपल पोर्ट्स भी मिलते हैं। और BenQ की अपनी प्रोप्राइटरी आई केयर टेक्नोलॉजी भी आपको देखने को मिलती है, जिससे कि आप ज्यादा देखते हो तो आंखों पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये BenQ का जो मॉनिटर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये उनकी मोबियस सीरीज का मॉनिटर है। मोबियस सीरीज के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो BenQ के अंडर में आती है, जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा फीचर्स देने की कोशिश करते हैं। RGB से लेके बढ़िया स्पीकर से लेके जितनी भी HDRI वगैरह वगैरह रिमोट शिमोट सब कुछ होते हैं, वो मोबियस सीरीज में आपको देने की कोशिश करते हैं। टॉप ऑफ द लाइन मॉनिटर्स होते हैं मोबियस सीरीज के, BenQ की तरफ से आने वाले मॉनिटर्स। इसके डिजाइन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बड़ा ही सिंपल, मॉडर्न और यूनिक तरीके का आपको देखने को मिलेगा मॉनिटर। जैसे आप स्टैंड वगैरह भी देखते हो, इसकी ओवरऑल डिजाइन देखते हो, RGB वगैरह का मटेरियल जो इसमें यूज किया गया है, लेकिन सिंपलिसिटी का मतलब ये नहीं हो गया कि बिल्कुल बोरिंग सा मॉडल है। गेमर ओरिएंटेड सिंपलिसिटी हैसल फ्री सेटिंग्स मिलती हैं आपको, एफर्टलेस स्विचेस मिलते हैं। जो मोबियस सीरीज के मॉनिटर्स हैं वो ऑरेंज कलर का भी ज्यादा यूज करते हैं, जिससे आपको लाइवली ब्राइट और मतलब अच्छा सा आपको सीन दिखाई दे। मतलब मॉनिटर लेने आ रहे हो, पूरा मजा आपको चाहिए, सारी बाउंड्रीज तोड़ देनी है और गेम का पूरा इमर्जन चाहिए, मोबियस मॉनिटर्स BenQ की तरफ से आने वाले बहुत ही बढ़िया है। क्विक OSD से आपको क्या फायदा होता है? जो फ्रीक्वेंटली यूज गेम सेटिंग्स हैं उनकी तरफ आप जल्दी चले जाओगे। सिनारियो मैपिंग से क्या फायदा होता है? जब आप कंसोल या PC वगैरह कुछ लगाते हो तो मॉनिटर अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर लेता है, यानी कि उसने इनपुट सिग्नल देखा कहां से आ रहा है, कंसोल से आ रहा है, PC से आ रहा है, और उसके हिसाब से पर्सनलाइज्ड गेम सेटिंग्स आपके मॉनिटर में ऑन कर देगा वो। मतलब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा रीएडजस्ट करने में सेटिंग्स को। BenQ के मोबियस सीरीज के मॉनिटर EX270QM में आपको, मैं कह रहा हूं, 2.1 चैनल स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, जो कि वेल कैलिब्रेटेड हैं ट्रिवोलो से, जिससे कि आपको प्रिसाइज ट्रेबल, प्रिसाइज रिच मिड रेंज और बेस भी आपको देखने को मिलती है। और जो इसके कई प्रीसेट मोड्स हैं इसके बिल्ट इन, उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, उससे भी कई फायदे होते हैं गेम में भी और मूवी वॉचिंग में भी। जैसे प्रीसेट साउंड मोड है FPS का, उसमें आपको फुल ऑडियो इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। रेसिंग गेम वाला प्रीसेट लगाया तो इंजन की आवाज है वो बहुत तेज आएगी गेम में। और अगर आप कुछ मूवी वगैरह देख रहे हो, सिनेमा प्रीसेट लगा रखा है आपने, तो ब्लास्ट और गन्स होंगी वो भी बहुत साउंड अच्छी करेंगी। जैसे गेम बताऊं मैं आपको, बैटलफील्ड 2042 है, गन लोड होने के शॉट्स की आवाजें बहुत तेज हो जाएंगी। फुटस्टेप्स अगर लेफ्ट से आ रहे हैं तो वो बिल्कुल क्लियरली सुनाई देगा। रेसिंग गेम आपने लगा रखा है ग्रैंड टूरिज्मो 7, इंजन की आवाज बहुत तेज सुनाई देगी बाकी आवाजों से, जो आप सुनना चाहते हो जिससे इमर्जन बढ़े वैसी साउंड आपको दिखाई देगी। इवन म्यूजिक में अगर आप इसका लाइव वो पॉप प्रीसेट लगा लेते हो, आप म्यूजिक में टेस्ट कीजिए, जैसा आप चाहोगे वैसा बेस्ट एक्सपीरियंस आपको सुनाई देगा म्यूजिक में भी। जैसे जॉन विक चैप्टर 3 मैंने इस पे चलाई मॉनिटर पे, तो आपको कई गन्स की साउंड्स और ब्लास्ट वगैरह काफी तेज सुनाई देते हैं। और ऐसा नहीं है कि गन्स की और बॉम्ब्स की साउंड ज्यादा तेज हो गई तो डायलॉग नहीं सुनाई दे रहे, डायलॉग्स एकदम क्लियर होंगे। जो बड़े बड़े मैंने होम थिएटर्स भी देखे हैं उसमें क्या है, ब्लास्ट वगैरह और गन्स की साउंड तो बहुत लाउड हो गई लेकिन आप डायलॉग नहीं समझ सकते, वो प्रॉब्लम यहां बिल्कुल भी नहीं है, क्लियरली डायलॉग सुनाई देते हैं। इस मॉनिटर में आपको सिनेमा HDRI के बारे में बता रहा हूँ, गेम HDRI के बारे में बता रहा हूँ, जो HDR इफेक्ट्स हैं वो थोड़े इंप्रूव हो जाते हैं। जैसे सिनेमा HDRI में आपको ज्यादा नेचुरल स्किन टोन्स आपको देखने को मिलेंगे। और गेम ऑन है, गेम में बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे कि डार्क सीन्स हैं तो उसमें भी आपको डिटेल देखने को मिलेगी, या फिर किसी सीन में बहुत ज्यादा लाइट है तो वो उसको भी बैलेंस कर लेता है। और कई ऐसे सीन्स होंगे सिनेमा HDRI में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे जंगल का सीन है जिसमें थोड़ा अंधेरा है थोड़ी रोशनी आ रही है, यानी कि हाफ ब्राइट हाफ डार्क,
डार्क, उसमें बहुत अच्छी आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और गेम भी अगर आप खेल रहे हो, एकदम डार्क रूम है, उसके अंदर विंडो से एक रोशनी आ रही है, तो इस तरह के सीन्स भी आपको गेम में HDRI ऑन करके बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेंगे। और जो स्टैंडर्ड HDR भी होता है, उसमें कई सीन्स में आपको ओवर एक्सपोजर देखने को मिलता है। ये प्रॉब्लम थोड़ी सी HDRI में खत्म हो जाती है। इसमें जो आपको 0-2+10 लाइट ट्यूनर देखने को मिलता है, वो डार्कर एरियाज में डिटेल को बढ़ा देता है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ऐसे ही 0-10 लाइट ट्यूनर जो है, उसमें आपको हायर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है ब्राइटर सीन्स में। बाय द वे, मैं आपको इस मॉनिटर के बारे में बहुत सी चीजें दिखा चुका हूं और बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं। ये 27 इंच का मॉनिटर है, 16:9 इसका रेशो है, 2560x1440 आपका QHD वाला रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलता है, 2K मॉनिटर है, और बढ़िया गेमिंग मॉनिटर है तो 240 हर्ट्ज तो चाहिए ही चाहिए। IPS है, कॉन्ट्रास्ट रेशो 1000:1 है, 1 मिलीसेकंड का ग्रे टू ग्रे रेस्पॉन्स टाइम है। जाते जाते मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि बैंकियो की जो HDRI टेक्नोलॉजी है, वो बढ़िया कॉन्ट्रास्ट डिटेल्स और रिफाइंड कलर्स आप लोग को दिखाती है मॉनिटर में। और ये स्टैंडर्ड HDR के मुकाबले में आपको गेम में और मूवीज में ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा रियली आपको। और अगर आप पूछो कि सिनेमा HDRI और गेम HDRI में क्या अंतर है, तो सिनेमा HDRI में तो आपका कॉन्ट्रास्ट और कलर परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है, और गेम HDRI में आपका कॉन्ट्रास्ट तो बढ़ता ही इमेजेस का, साथ में वो आपके कलर ग्रेडेशन और ओवर एक्सपोजर को भी संभाल लेता है। और अगर आप नहीं जानते हो तो एक एम्युलेटेड HDR भी होता है। अब एम्युलेटेड HDR है, वो आपको वर्चुअल HDR इफेक्ट दे देता है आपके उस कंटेंट में जो HDR में शूट नहीं हुआ है या जिसमें HDR ऑन नहीं है। तो आपका जो मॉनिटर है, वो जब एक बार डिटेक्ट कर लेता है कि नॉन HDR कंटेंट है, तो उसको भी HDR क्वालिटी प्रदान कर देता है ऑटोमेटिकली, जिससे आपको जो HDR फॉर्मेट में वीडियो था या जो भी था आपका, उसमें भी आपको HDR वाला मजा आ जाए। इस मॉनिटर में आपको DSP चिप भी देखने को मिलती है, जिससे ये पॉसिबल हो पाया है कि आप कई साउंड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, या तो आप कई साउंड इफेक्ट्स को एनहांस कर सकते हो, या कई साउंड इफेक्ट्स को आप वीकन कर सकते हो, और नॉइज कैंसिलेशन, ऑप्टिमल ट्यूनिंग, ये सब तो मिलता ही है। ये मॉनिटर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बढ़िया मॉनिटर है, मैं 240 हर्ट्ज के भी पूरे मजे लेता रहा, और इसका पीछे से जो डिजाइन है बहुत ही प्यारा लगा, बिल्कुल स्टैंड वगैरह मोबियस सीरीज का नाम इसने रख लिया, जो सम्मान है। बहुत सारे फीचर्स एक ही मॉनिटर में देखने को मिले। अगर आप ज्यादा चिकचिक नहीं जाते हो, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कई मॉनिटर्स हम लोग भी लाते हैं, हम भी बनाते हैं, दूसरे उनमें स्पीकर्स लगा लेते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं ज्यादा क्लटर नहीं चाहता हूं, और मुझे, मैं तो हेडफोन से ही सुनूंगा, मुझे बस एक ठीक ठाक भी नहीं, अच्छे से अच्छा कई मॉनिटर्स में एक स्पीकर देखने को मिल जाए, तो ये मॉनिटर आपके लिए हो सकता है। और मैं सही बता रहा हूं, उस चीज की जरूरत होती है। हर कोई 2.1 स्पीकर नहीं लगाना चाहता अपने मॉनिटर के साथ, लेकिन वो ये फंक्शनलिटी चाहता कि कहीं अगर दूसरा बंदा आ जाए, तो मैं तो हेडफोन उतार चुका हूं, तो मैं कोई ना कोई स्पीकर अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि इस मॉनिटर का कंटेंट उसे भी दिख जाए। इस मॉनिटर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देखते हैं। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय टाटा।